हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने वाले जैसे कि था, आपने थंबनेल में देख लिया है छह स्टॉक्स से रिलेटेड उन छह स्टॉक्स में अगर हम बात करें Uh, काफी दिन से हम उन स्टॉक्स से रिलेटेड बातें कर रहे हैं और उनमें से दो स्टॉक्स ने एक ने तो 45 परसेंट तक के रिटर्न दूसरे ने मूव uh, देना शुरू कर दिया और 20 के रिटर्न ऑलरेडी दे, uh, दे चुका है क्या करना है अब आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए उस चीज से रिलेटेड बातें करेंगे बट बिफोर द वीडियो में आगे बड़े रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल इन्वेस्ट फोर एवर को सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो डेली बेसिस पर मिलती रहे और यहाँ पर दो वीडियो आज की डेट में आ गई है ये स्टॉक डूरिंग मार्केट बताया था अपर सर्किट लग गया है एज वेल एज इस्टॉक इन स्टॉक की तरफ देख ध्यान दीजिएगा किसी में 10% किसी में 2% किसी में 3% की यहाँ पर बढ़त है और आगे चल के और शेयर भागते हुए नजर आएंगे बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन है नहीं अपने फाइनेंशियल साइड खुद की स्टडी आपको करनी है यहाँ पर आपको सिखाया जाएगा कोई पैसा नहीं देना कोई किसी तरीके का कुछ नहीं है सिंपली वीडियोस के पे जाना है एक-एक वीडियोस को चेक करना है सीखना है और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना है कमेंट करना है, इस वीडियो को तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तो आइए की तरफ और देखिए छह स्टॉक्स के रिलेटिव बातें करने वाले हैं, फंडामेंटल्स की बात कर रहे तो फंडामेंटल्स हम ऑलरेडी यहाँ पर मोस्टली सभी स्टॉक्स के सीख, देख चुके हैं थोड़ा बहुत और कुछ के अभी फंडामेंटल्स अभी तक आए नहीं हमारे यहाँ पर थोड़ा बहुत है डिटेल्स यहाँ पर नोवो को विस्टा कॉपोरेशन की हम बात करते हैं सीमेंट सेक्टर से रिलेटेड यहाँ पर आ बात ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है और ईस्ट में ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है सॉरी सॉरी यहाँ पर देखिये लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी ये आ, पर काम करती हुई नजर आती है और पार्ट ऑफ द निर्मा ग्रुप यहाँ पर निर्मा ग्रुप का ये पार्ट है और ये डिटर्जेंट सोप हेल्थ केयर जो कि आप देखते हैं ना निर्मा के ये ही कंपनी यहाँ पर बनाती हुई नजर आती है तो इस शेयर की तरफ नजरें बना सकते हैं आप इसके अलावा मिड कैप कंपनी है ओके okay, यहाँ पर डेट कुछ ज्यादा है थोड़ा सा और प्लेजिंग की बात करें कोई शेयर यहाँ पर प्लेज नहीं है अभी शेयर आया है क्वार्टरली ईयरली बेस पर कंपनी का अच्छा खासा ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा है ईयरली बेसिस पर कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा है इतना अच्छा नहीं कहूंगा अभी तक जब तक इस बार के रिजल्ट नहीं आते और रिजर्व कंपनी के पास ठीक ठाक है बट अगर बात करें यहाँ पर बोरिंग कंपनी के पास ज्यादा है वर्किंग प्रोग्रेस में पैसे अच्छे खासे है और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर अभी आया नहीं है शेयर होल्डिंग पैटर्न और आर ओ कुछ खास है नहीं यहाँ पर अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर वीडियो शेयर

मंथ uh, ही पर आईपीओ uh, आता हुआ दिखाई दिया था उसके बाद अगर हम देखें तो एक अच्छी खासी गिरावट हुई है और अच्छी खासी गिरावट के बाद इसने जो नीचे का का लेवल बनाया है ये एक सपोर्ट बनाता हुआ नजर आ रहा है और आज के दिन यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर बता रही है कि शायद यहाँ पर कैंडल रिवर्स हो चुकी है और यहाँ पर यह शेयर थोड़े बहुत टाइम में ऊपर की तरफ जाता हुआ मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है और ऑटो एंसिलरी का अगर हम बात करें एक दिग्गज स्टॉक्स इसे कहते हैं ओके okay, यहाँ पर बियरिंग की बात की जाती है तो टॉप फाइव बियरिंग कंपनी में इसका एक नाम आता है लीडिंग फोर्जिंग सॉरी फोर्जिंग कंपनी में टॉप फाइव में जो इसका नाम आता है डेट सिक्सटी सिक्स परसेंट का डेटा कोई प्लस नहीं है स्मॉल कैप कंपनी है आर ओ सी आर ओ ई ठीक ठाक है और यहाँ पर अगर हम इस शेयर से रिलेटेड और भी कुछ चीजों की बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वार्टरली ईयरली बेस पर यहाँ पर अच्छे खासे इसके रिजल्ट है ईयरली बेसिस पर भी कंपनी ने यहाँ पर ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके दिखाया है यहाँ पर सब पेंडेमिक की रेगुलर

यहाँ पर अच्छा नहीं रहता मतलब यहाँ पर शेयर भागी रह सकता है इसी तरीके से रहता ही है और अगर हम देखें तो ये थाउजेंड रुपीज इलेवन हंड्रेड रुपीज के आसपास ये शेयर जाते हैं तीन तो सौ रुपए लगभग टूट चुका है इसके अलावा हम और भी कुछ चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी खासी गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है और वॉल्यूम की बात करें आज की डेट में भी टू टू लाख एटी फाइव थाउजेंड यहाँ पर वॉल्यूम भी थे इस पर्टिकुलर शेयर में और

ली का यहाँ पर कोई रिजल्ट है नहीं uh, रिजर्व्स की बात करें कंपनी के रिजर्व्स uh, नेगेटिव में है uh, यहाँ पर बोरिंग की बात करें कंपनी का बोरिंग है कैश है थोड़ा बहुत कंपनी के पास तो यहाँ पर ज्यादा रिटेल्स नहीं है बट इस शेयर की तरफ अगेन हाँ यहाँ पर जिस तरीके से रिवर्स हुई है कैंडल तो ध्यान यहाँ पर देख सकते हैं इसके अलावा यहाँ पर हमारा एक स्टॉक्स क्लीन साइंस जो कि हमने आपको यहाँ पर पकड़ के दिया था नीचे और जब आपको पकड़ के दिया था उससे अगर हम बात करें तो लगभग फोर्टी फाइव परसेंट तक के रिटर्न यहाँ पर होते हुए नजर आए आज और यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बनती हुई नजर आ रही है इट इज जस्ट बिकॉज यहाँ पर अगर हम बात करें आ, अच्छे खासे ये शेयर भाग चुका है एटी और यहाँ पर अगर एटी के आसपास का यहाँ पर आर आ गया था थोड़ी सी अगर गिरावट होती है एक बार इसके रिजल्ट देख लीजिए रिजल्ट देखने के बाद जिस अगर अच्छे रिजल्ट आते हैं तो ये कंपनी आपको दोबारा एक बेहतरीन यहाँ पर रिटर्न्स देती हुई नजर आएगी और इस शेयर को बाइंग करने का अगर लेवल बताऊं तो यहाँ पर एटीन हंड्रेड रुपीज के आसपास का जो ये लेवल है ये लेवल मुझे एक अच्छा खासा लेवल यहाँ पर नजर आता है तो अगर ये शेयर टूटता है और आता है इस लेवल पर तो आपको इस शेयर के बारे में सोचना चाहिए बट अगेन तभी सोचना चाहिए जब एक मार्केट में एक बार इसके रिजल्ट आ जाए क्योंकि ये पहले रिजल्ट आते हुए दिखाई देंगे यहाँ पर ईयरली क्वार्टरली बेस पे कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया नो डाउट ईयरली बेसिस पे भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस है और यहाँ पर होल्डिंग नाइन्टी फोर परसेंट है तो ओ एफ एस पी यहाँ पर तीन साल के अंदर अंदर कभी भी आ सकता है इसके अलावा एक और शेयर से रिलेटेड हम बात करेंगे जो कि हम बार बार आपको सजेस्ट कर रहे थे जिसका नाम है जी आर एनफ्राई यहाँ पर अगर मैं बात करू यहाँ पर दो चार बार वीडियो यहाँ पर बनाई है इस दौरान और ये शेयर यहाँ पर अगर तो इलेवन परसेंट तो के आसपास ट्वेल्व परसेंट यह भागता हुआ दिखाई दिया और टेन परसेंट ये तो लगभग ट्वेंटी परसेंट के आसपास के रिटर्न्स यहाँ पर मिल, मिलते हुए दिखाई दिए अच्छी खासी आर एस आई पे आ गया है। थोड़ा सा टूटने दीजिए ये शेयर और एक बार रिजल्ट का इसका भी वेट कर लीजिए एक बार रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद इसमें इन्वेस्ट कर चाहे थोड़ा सा भी महंगा हो जाए कोई परेशानी नहीं है बट अच्छे खासे यहाँ पर रिजल्ट रिटर्न हमें मिलते हुए दिखाई देंगे अगेन यहाँ पर मिड कैप कंपनी है आर ओ सी आर ओ ही अच्छा है डेट की बात करें थोड़ा सा डेट इस कंपनी पर ज्यादा है क्वार्टरली बेसिस पर अगर बात करें सेल्स कम हुई है बट प्रॉफिट की बात करें प्रॉफिट भी यहाँ पर थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दिया बट स्टिल कंपनी प्रॉफिट में है सेल्स की बात करें ईयरली बेसिस पर कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है ईयरली क्वार्टरली बेसिस पर

क्या रीजन हो सकता है जैसे कि एमी ऑर्गेनिक यहाँ पर नाम है तो ऑर्गेनिक जितने भी यहाँ पर पीछे लिख रहे हैं जिस शेयर के तो वो भागते हुए दिखाई दे रहे हैं जैसे लक्ष्मी ऑर्गेनिक वो भागता हुआ दिखाई दे रहा है अपर सर्किट और रिलेटेड पर कंपनी है और काफी बेहतरीन पर कंपनी ये भी नजर आती है रो सी रो यहाँ पर बेहतरीन है बट डेट की बात करें एटी तो टू परसेंट का डेट है यहाँ पर स्मॉल स्मॉल कैप कंपनी है इसके अलावा देखे तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर कंपनी के सेल्स यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं ईयरली बेसिस पे नेट प्रॉफिट यहाँ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है ईयरली बेसिस पे से यहाँ पर रिजल्ट्स अच्छे खासे हैं बट यहाँ पर बात करें यहाँ पर उतनी बोरिंग भी यहाँ पर नजर आती है आ, कैश की बात करें तो कंपनी के पास कैश भी कुछ खास नहीं है तीन करोड़ रुपए का है बट और यहाँ पर आई थिंक ऑपरेटर ज़्यादा एक्टिव है तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए और एक बार शेयर थोड़ा सा यहाँ पर गिर जाए

ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस तो हम एक बार इससे uh, बारे में हम यहाँ पर सोच समझ के विचार करके इस शेयर से रिलेटेड हम बातें कर सकते हैं और लेने के बारे में सोच सकते हैं वरना ये शेयर तो कोई ना कोई यहाँ पर भाग कोई ना कोई कोई दस परसेंट कोई पांच परसेंट कोई बीस परसेंट कोई तीस परसेंट भागता हुआ नजर ही आता है तो हर एक शेयर में हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते बट अगर हम बात करें uh, अच्छे शेयर में अगर अच्छे रिजल्ट आने के बाद हम इन्वेस्ट करते हैं तो अच्छा खासा पैसा हमें फ्यूचर में बनता हुआ नजर आ सकता है तो बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है फाइनेंशियर खुद की स्टडी करनी है इन चेयर स्टॉक्स पे नजर रखनी है वॉच लिस्ट में बस ऐड करके रखिए कब खरीदना है जब लोहा गर्म हो तब आपको थोड़ा मारना होता है तो जब यहाँ पर शेयर नीचे आए उस टाइम आपको खरीदना फायदेमंद रहेगा सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस